बच गई इबो। अब देखो खींच मारनी है। आई बो आई बो, ठीक है लपेट के ले आऊं क्या इसकी पतंग। ओह ये क्या हो गया, और ये देखो कट गई। आई बो। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित, कैसे हो आप सभी। आपने पिछली वीडियो देख ली होगी, पिछली से पिछली मैं बताया था किस टॉपिक पे थी। एक थी मोनोफिल इंडियन वाले पे, एक थी मोनोकाइट इंडियन वाले पे, एक थी बरेली कमांजे इंडियन वाली। इसके मैं जल्दी से आपको करने बांधना सिखाता हूँ कैसे बांधने हैं। सबसे पहले आपको होल करने हैं, देखो यहाँ क्रॉस में करने हैं ऊपर से होल। यहाँ पे मैंने लिए कर होल, और नीचे में आपको कितना करना है, अगर आपकी हवा मीडियम है तो आपको कम से कम बीच में करने हैं होल, बीच से थोड़ा नीचे। अगर आपकी हवा तेज है थोड़ा ऊपर कर लेना। तो अभी मैं बता देता हूँ, तो मेरी हवा मीडियम है तो मैं थोड़ा बीच से नीचे कर ले रहा हूँ। ये देखो मैंने यहाँ होल कर लिए। अब आपको लेनी है सद्दी, लेके मंजे से भी बांध सकते हो, लेकिन मंजे से अच्छा नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो भाई खाना छोड़ के ना मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। खाना पहले नहीं, पहले आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यार मैं, इसलिए एक सब्सक्राइब मारो जल्दी से। तो आपको देखो इस तरह से नोट्स लगाने, मतलब कि सद्दी लेके इस तरह से निकाल लेनी है, और यहाँ पर लगानी है आपको नोट्स। आप दोबारा भी निकाल सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे कितनी नोट्स लगानी है, देखो तीन से ज़्यादा लगाना, और पांच से नहीं, तीन से कम मत लगाना, पांच से ज़्यादा लगाना। और यहाँ पे लेके इस तरह से दोबारा इस तरह से निकाल करके, और यहाँ पर हमने निकाल लिया ये। और यहाँ पर भी आप तीन से कम मत लगाना, पांच से ज़्यादा मत लगाना। और मेन कहानी आती है भाई साहब, ये इसके पीछे तो यार सारा लफड़ा है, ये कैसे करना है भाई। ये अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको हवा का अंदाज़ा नहीं है, हवा तेज़ है ज़्यादा है, तो इसको क्या करोगे आप, इक्वल रख लेना भाई। ये एक काम हो कि ये वाला ना बड़ा ना हो जाए ज़्यादा, अगर बड़ा हो गया तो मुश्किल होगी उड़ने में। इक्वल रखोगे तो हर जगह वर्क करेगा। तो ये हो चुके मेरे कन्ने। अब मैं मंजा ले लेता हूँ अपना, मंजा कांगिया, ये रहा मेरा मंजा, इससे मैं उड़ाता हूँ और काटता हूँ। तो गाइस सबसे पहले अब मैं अपनी पतंग को उड़ाते हुए, चलो गाइस अपने मंजे से ये जाती है अपनी पतंग उड़ करके, और लोग भी आ चुके हैं पतंग उड़ाने, बट हमारा फोकस उनको दिखाना नहीं है, हमारा फोकस है मेन आपको ट्रिक बताना पतंग के साथ कटते हुए। और ये देखो ये गई अपनी पतंग उड़ करके, ये यहाँ से देखो क्या मस्त गई है पतंग। और ये देखो मंजा कैसे निकल रहा है बढ़िया से, ये कोटर मंजा कोई भी चाइनीज नहीं है, बरेली का मंजा। बरेली का मंजा अच्छा होता है, बरेले का मंजा मैं आप बताऊँ कैसा होता है, और कॉटन मंजा उसे कहीं भी लड़ा दो, काइट फाइटिंग हो, क्लब काइट फाइटिंग हो, टूर्नामेंट हो, हर जगह यूज हो जाता है। चलो अब गाइस लड़ाते हैं। सद्दी लगाने का मेन मोटिव है, एक तो हाथ में ग्रिप अच्छी बनती है, दूसरा कटते नहीं है, ये मोटिव है। और आप अगर खींच मारोगे तो आपका मंजा खराब नहीं होगा इस वजह से भी। गाइस देखो पतंगे उड़ चुकी हैं, ये सब सारी आगे भी मैं ले जा चुका हूँ, बहुत आगे में। अब मैं पता कैसे काटूंगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है यार, इतने में डालना, देखो अगर जैसे आपकी पतंग किसी से लड़ान जा रहा हो, आप अगर उसके पीछे से खड़े हो तो आपको कैसे काटनी है, अगर वो आपके आगे से उड़ा रहा है। आपको पतंग अपनी उससे लंबी रखनी है, और जो कन्ने होते ना कन्ने के पास जाके देखो इस तरह से ढील देते हुए, इस तरह से तेज तेज मत करना, इस तरह से ढील देनी है। और देखो आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ, दिखाओ जरा पतंग को सही से दिखाइए, ठीक है, धुंधला तो नहीं आ रहा, वह हो रही है ना। तो भाई देखो मेरी पतंग देखो आगे में है, आपको आगे रखनी है, और उससे देखो उसके कन्ने पे ले जाके देखो, ये देखो उसकी पतंग ही फट गई यार, ये क्या हो गया। और ये देखो कट गई, आई बो आई बो, काट दिया गाइस देखो। और देखो और भी उड़ चुकी है इनकी, काट दिया देखो। यहाँ से उड़ाते हैं वैन, सारे फ्लोर वाले किराएदार, इनके रोज बदलते हैं किराएदार रोज। और ये देखो नेक्स्ट ये पतंग मैंने काट दी। अब पता है एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, जैसे आप पीछे से हो और कोई आपका ओपोनेंट आगे से उड़ा रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है उसके ना देखो, जैसे कि पतंग है तो जैसे मान के चलो उसकी पतंग ये रही आपकी, ये रही थोड़ी आगे लेनी है, ऐसे लेना है और सीधी खींच मार देनी है। देखो इस तरह से दिखाओ लाइव, फेल ना हो जाओ, अगर उसको ने अंदर को दिखा दी ना तो फेल हो जाऊंगा मैं। तो इस तरह से अब देखो खींच मारनी है। आई बो आई बो। तो इस तरह से देखो मैंने आपको दो चीज़ बताई, दोनों बार काटिए, और आगे ले जाता हूँ अगर कैमरे में सही फोकस हुआ तो मैं आपको आगे भी की वीडियो बताऊँगा कैसे लड़ानी कैसे नहीं। तो और पतंगें उड़ती है मैं दिखाता हूँ आप सभी को, कोई और तरीका होता है तो सोचता हूँ जो आसान हो, मैं सारे आसान आसान बता रहा हूँ। देखो खींच तो कोई भी मार लेगा, कन्ने के पास ले जाके कोई भी क्या, जो मैंने शुरू में बताया था वो कोई भी कर लेगा,
तो इस तरह से मैंने आसान आसान कोई और आसान सोचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। भाई यार देखो अभी काटिए फिर उड़ाने लग गए, और आगे में भी देखो पतंगबाजी हो रही है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखो आगे में दिख रही है, वहाँ मैं ले जाने की सोच रहा हूँ, साले काट देते। देखो वो नीचे है ना, नीचे वो जो पढ़ रहे हैं लंगर नहीं, वो जो पढ़ रहे हैं नीचे, अभी पढ़ रहे हैं बाबू पतंग उड़ाएंगे वो, ऐसे ऐसे हैं। देखो इधर भी आएंगे, इधर ना छुप जाते, जब वीडियो कैमरा लेके जाते छुप जाते एकदम ही। तो मेरा कैमरा मैन कुछ कहना चाह रहा है, तो तुम बता रहे हो ना ट्रिक उड़ाने की। हाँ तो मैं तुम्हारी ट्रिक से तुम्हारी काटूंगा, देख ले देख लो। और ये जो उड़ा रहे हैं इतने देखो चढ़ चढ़ के, इनकी नहीं कह सकता कुछ। बड़ी ट्रिक बताऊं, चलो गाइस एक और आसान सी मेरे ट्रिक मन में आई है, अभी नहीं आई, 5-10 मिनट सोचने के बाद आई है। वो आई है कि जैसे कि आपकी पतंग है, अगर आपके कोई आगे से उड़ा रहा है तो आपको पता है क्या करना है, उसके पतंग पे ले जानी है ऊपर से या नीचे से, ढील में रखनी है। ढील में कैसे रखनी है, टाइट रखनी है। टाइट कैसे होगी, आपकी पतंग टाइट होगी इस तरह से, थोड़ी झटके मारोगे ना तो हल्की हल्की टाइट होती है, नीचे मत जाने देना बस अपनी पतंग को। तो ये देखो, तो गाइस देखो ये काटते हुआ मैं, देखो मैं उधर से ऊपर ही ऊपर में पूरा, और देखो वो भी करते हुए, और मैं पूरा पूरा ढीलम ढील आई वो। और इसकी पतंग देखो मेरे मार चुकी है, क्या लपेट के लिया हूं क्या इसकी पतंग, ओह आ गए ओल्ले। और देखो मंजा तोड़ते हुए, लाइव मंजा तोड़ते हुए, यार देखो दोनों पतंग चली गई और ये मेरा मंजा तोड़ते हुए लाइव, देख रहे हो ये करते हैं सीन यहाँ पे, ये करते हैं यहाँ पे सीन। कोई नहीं बेटा कोई नहीं, कर लो यहाँ मेरे पास में। पता है सीन क्या हुआ, पतंग तो काट दी मैंने लपेटने के चक्कर में, सोचा कि थोड़ी और सिंपथी गेन हो जाएगी कि पतंग लपेट लूँगा, बट उसका मंजा इतना करारा हो रहा था, भारी पतंग हुई और गई मेरी, मंजा और तोड़ लिया सारा। नेक्स्ट पतंग उड़ा रहा हूँ, दिखाता हूँ गाइज अपनी पतंग उड़ाते हुए। आप कह रहे हो गे लाल पतंग उड़ा रहे हो, मैं कहूँगा हाँ लाल उड़ा रहे हो, मंजा क्यों लगा रहे हो, आपने देखा नहीं लाइव आपके सामने तोड़ लिया। और ये उनकी भी लाल है, वो तो रंग बिरंगी लाए हैं, मेरी पतंग तो उनसे लाख गुना महंगी होगी। और ये गई पतंग उड़कर, ट्रिक बताने के चक्कर में ना कटी है तो कोई उससे नहीं कटी है, बस ये है कि आप पतंग किसी की लपेटना मत मंजे से, ये है। अगर आपको चाहिए कि लपेटने की वीडियो कैसी हो तो बता देना कमेंट करके, वो भी बना दी जाएगी। क्यों अब चलो दिखाओ, ये गई देखो पतंग उड़ करके हमारी, अब काटते हैं चलो। मैं भी आना चाहिए भी, मतलब जो उड़ा रहा है आ रही है। और ये गई अपनी पतंग उड़ करके, वापिस से मैं सद्दी लगा रहा हूँ। देखो भाई रुक जा अभी नहीं, और ये लगा ली सद्दी, अब काट दो चल रोक। भाई जब मीडियम हवा चल रही थी अब तो वो भी नहीं है, और अब मैं काटते हुए पता नहीं किस तरीके से काटूंगा क्योंकि हवा और ले तो चिल्लाते हुए काट दी हमारी पतंग। एक तो जब कट गई एक अब कट गई, नेक्स्ट उड़ाता हूँ नेक्स्ट काटता हूँ चलो। हवा नहीं थी यार और मैंने सोचा पता नहीं कैसे काटूंगा, अपनी कट गई, नेक्स्ट उड़ाता हूँ फिर काटता हूँ इनकी। मैं अपनी पतंग के दूसरी के कन्ने बांधते हुए, ये वो पतंग है जो शुरुआत में मैंने पहले उड़ाई थी, वो भी बीच की पतंग थी, काटा काट गई सारी। नया स्टॉक लाना पड़ेगा, काइट शॉपिंग की वीडियो बताओ जल्दी से किस किस को चाहिए, बना दी जाएगी। चलो गाइज यहाँ से मैंने बांध लिए कन्ने, अब उड़ाते हैं चलो इसको। ये ले लिया मैंने यहाँ से मंजा, उठा लिया मंजा, इस बार आ चुका है क्योंकि अलग कटी है ना, उधर कटती तो तोड़ लेते साले। ये पतंग पता है गाइस कैसे कटी थी मेरी, अगर इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो ट्रिक बताई मैंने काटने की, अब ट्रिक बताता हूँ ना कटवाने की। किसी की पतंग के पास ले जाओ ना
तो उसकी डोर से डोर मिला के कभी ना खींच मारना और ना ही आप ठुम के देना। ये जो करना है आपको पहले करना है उससे, बहुत पहले, क्योंकि देखो मान के चलो जैसे दो तलवारें होती है ना, अगर वो पास जाके अपना एक्शन करेंगे तो ना तो कुछ होगा, वो पहले ही एक्शन में आ जाती है ना इस वजह से। बाकी अपनी पतंगें उड़ चुकी हैं, ये देखो हवा बिल्कुल भी नहीं है। किस किसी की यहाँ हवा नहीं है मेरे को कमेंट करके बताओ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मारो। पीछे से बना वहाँ से, थोड़ा मैं भी आना चाहिए, ठीक है। पतंग काट कर गाइस, ये देखो ये जा चुकी है, चिल्लाइयो ठीक है। बच गई, आई बो कट गई यार उनकी तो, चिल्ला आई बो, अब चिल्ला रहा है चूतिया, जब नहीं चिल्लाया जब वो चिल्ला रहे थे। तो नेक्स्ट पतंग काटते हैं, दिखाते हैं गाइस। ये वीडियो मुझे लग रहा है यहीं एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि पतंग में हवा ही नहीं है, एकदम हवा चली गई। दिखाना जरा, देखो पतंग देखो कैसे हो रही है, दिख रही है सही, देख रहे हो कैसे हो रही है, कोई भी नहीं उड़ा रहा। अब चलो मैं लपेट लेता हूँ जल्दी से इसको, और आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। तो गाइस इसको उतार लेता हूँ मैं, उतर गई, ये देखो रहने मत उड़ा, नीचे आ जाओ, और उतर चुकी पता है। चलो भाई अब इधर से चलो उनकर रोक।